ni chapiria. Chapter named as chemical bomb. सो क्वेश्चन एग्जाम स्टार्ट हो चुका है ना. लास्ट टाइम कल्पना वाज सेइंग दैट 8 तारीख स्टार्ट हो जाए एग्जाम कुछ स्कूल में है. केमिस्ट्री का कब है आपका एग्जाम स्कूल में? एवरीबॉडी हियर मी? मुझे म्यूट कर दिया क्या? नहीं मैं बोला मुझे ही म्यूट कर डाला सर ने क्या? कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे. आप लोगों का केमिस्ट्री एग्जाम कब है? जल्दी बताओ फटाफट. लेकिन देर डाले रहे आप लोग. अक्टूबर तो उसके अंदर हमारे टेस्ट चल रहे हैं. एक मिनट बोलेंगे तो सब बोलते हैं, नहीं तो कोई नहीं बोलते हैं. एक एक जन बोलो. 28 अक्टूबर किसका है? 28 अक्टूबर मेरा. तुम्हारा मतलब नाम होगा तुम्हारा? साक्षी. अक्षय. साक्षी साक्षी साक्षी. तुम्हारा तुम्हारे स्कूल का जो एग्जाम है उसमें केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर भी है क्या? यस सर. अच्छा ये भी चैप्टर भी है. तो यही हमारा लास्ट रिवीजन टॉपिक है कि और कोई चैप्टर भी कराना है रिवीजन? ये लास्ट है ना, इसके बाद बाकी सब तुम लोग थे ना, तुम थे ना बाकी सब बच्चे? इसके बाद वाला कौन सी सम बेसिक कंसेप्ट? अच्छा वो भी सिलेबस के अंदर है क्या आपके टेस्ट के अंदर? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि क्योंकि एक्स्ट्रा क्लासेस की संडे को क्या उसके लिए अगर जल्दी कवर करना है टेस्ट से पहले तो फिर मैं एक्स्ट्रा क्लास है ना. तो टुमारो ऑल्सो कैन हैव द केमिकल बॉन्डिंग कर दे सर से बात करके डाल देता हूँ ग्रुप में. ठीक है कल भी मैं एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं तो चैप्टर बड़ा ही है वो तो केमिकल बॉन्डिंग. इट्स अ बिग चैप्टर. इट विल टेक टाइम टू कवर केमिकल बॉन्डिंग. फटाफट देखते हैं फर्स्ट टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बॉन्ड्स. What is bond? Bond is basically a force of attraction. It is a force of attraction. तो ये force of attraction दो atoms के बीच में हो सकते हैं, दो ions के बीच में हो सकते हैं और दो molecules के बीच में भी हो सकते हैं. It is just basically a force of attraction. Okay, between atoms or ions or molecules is called as bond. Is called as bond. And your chemical bonding chapter के अंतर्गत अभी जब हम bonds वाले बात करने वाले हैं, हम atoms और ions में जो bond होता है उसके बारे में बात करेंगे. So दो atoms के बीच में जो bond होता है किस किस प्रकार के bond हो सकते हैं? That three types of bonds. Let's talk about types of bonds. हम एटम्स के बीच बॉन्ड के बारे में बात करेंगे. मॉलिक्यूल्स के जो बॉन्ड होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो हम डील करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर के अंदर. देयर कॉल्ड एज मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस. सो दैट विल नॉट डील इन दिस चैप्टर. यहाँ पे जो एटम्स जो बॉन्ड होते हैं तीन टाइप के होते हैं. ये आपने पढ़ा होगा पहले आयनिक बॉन्ड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड. सेकेंड वन इज कोवेलेंट and third one is coordinate bond. Coordinate is also called dative. These are three types of bonds. Note कर रहे हैं आप लोग? Yes sir. Yeah. अब वन बाय वन ये तीनों बॉन्ड्स के बारे में बात करते हैं.
सबसे पहले हम बात करते हैं आयनिक बॉन्ड के बारे में. आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. आयनिक बॉन्ड इज नथिंग बट इट इज द सर फिफ्थ चैप्टर हो जाएगा क्या? फिफ्थ चैप्टर हो चुका है क्या? चैप्टर का नाम स्टेट ऑफ मैटर. स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं हुआ. स्टेट ऑफ मैटर नहीं. स्टेट ऑफ मैटर हमने नहीं पढ़ा है. हमने सिर्फ फर्स्ट फोर चैप्टर्स पढ़ा है. सम बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री. इसके बाद सीधा है वो. अभी तो ऑर्गेनिक चल रहे हैं ना. सर ये वही क्या है वो क्या है? It is the electrostatic force of attraction between cation दो oppositely charged particles के बीच में जो force of attraction होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. एंड उसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. कैटायन और एनायन. डू यू नो व्हाट इज कैटायन एनायन? यस इसको कैटायन इज आयन विद पॉजिटिव चार्ज एंड एनायन इज आयन विद नेगेटिव चार्ज. करेक्ट. तो जो आयंस के ऊपर प्लस चार्ज होता है उसको बोलते हैं कैटायन. जिसके ऊपर नेगेटिव होता है उसको एनायन बोलते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ये कैटायन ये एनायन है. तो क्योंकि इनके ऊपर आप जानते हैं जब ऑपोजिट चार्ज होते हैं ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर है ना. फिजिक्स में आपने पढ़ा है अट्रैक्ट ईच अदर. तो ये जब चार्ज फॉर्मेशन होता है जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और उसके ऊपर आता है प्लस चार्ज और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके बनाता है माइनस चार्ज. तो जब अब ये प्लस माइनस चार्ज उनके ऊपर आने के बाद इनके बीच में ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्शन पैदा होता है और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. उसी को हम बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. और उसी वो साथ में रहते हैं. दे आर टुगेदर NaCl बन के साथ में क्यों रहते हैं? उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो है आयनिक बॉन्ड. इज इट क्लियर? सर आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन एक बार फिर से दिखा सकते हैं क्या? अब दूसरी बात ये कि आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है ना. तो वही बात है सेम कहानी अगर हम रिपीट करते हैं. एक जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम होता है इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन टू बिकम स्टेबल अगेन. क्यों लूज करना है? स्टेबल होने के लिए. सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है. क्यों लूज कर रहा है? बिकॉज चाहता है कि मैं स्टेबिलिटी गेन कर लूं. 2-8-1 कॉन्फिगरेशन सोडियम का 2-8-1 कॉन्फिगरेशन है. उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो स्टेबल हो जाएगा. उसलिए सोडियम जो है बोलता है कि मैं इलेक्ट्रॉन लूज करूंगा Na प्लस मान लूंगा. तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम जो है इस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है. इस कॉन्फिगरेशन के 287 है. अब उसको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था कि वो स्टेबल कॉन्फिगरेशन अटेन करे. तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और उसके बाद कैटायन एनायन बनाएंगे और उसको फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं आयनिक बॉन्ड. इस तरह फॉर्मेशन होता है आयनिक बॉन्ड का बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम टू इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम. यू कैन राइट नेक्स्ट स्टेटमेंट देयर बिलो. आयनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय complete transfer of electron from electropositive atom to an electronegative atom. यहाँ तक सभी को सब बातें क्लियर हो गई? यस सर. यस सर. लेट अस सी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस. इसको मैं लिखने दो सर. क्या? लेट अस सी व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड.
पूरा हेडिंग factors affecting ionic bond. सबसे पहले बताओ जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है दो एटम के बीच में, जैसे हमने कल बात किया था ना इवन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज चैप्टर के अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी वगैरह. जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस होगा दोनों एटम के बीच में, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम के बीच में, उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा कि वीक होएगा? स्ट्रॉन्ग. स्ट्रॉन्ग बनेगा बिकॉज वो दो एटम के बीच में जितना अधिक इलेक्ट्रॉन डिफरेंस, उसका मतलब क्या, एक एटम जो कैटायन है वो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, एनायन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिव है, तभी जितना अधिक ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव होगा जितना अधिक वो इलेक्ट्रो नेगेटिव होगा उतना उनके बीच में डिफरेंस ज्यादा होगा. जितना डिफरेंस ज्यादा होगा इलेक्ट्रो नेगेटिव उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर वहां पे हो जाएगा, है ना. जितना अधिक इलेक्ट्रो पॉजिटिव उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन देगा, इट हैज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव उतना फास्ट इलेक्ट्रॉन वो लेगा, इसीलिए बॉन्ड जो फॉर्मेशन बहुत फास्ट होगा और बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा. तो लिखिए पहला पॉइंट, for the strong ionic bond formation the cation must be highly electropositive and anion must have high electron affinity or electron negativity, dono. लिख लिया सर. लिख लिया? यस सर. दूसरा पॉइंट लिखो. मोर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन two atoms forming the bond more stronger will be the ionic bond. वही बातें हैं जैसे जो किया. Done? Yes, sir. Yes. First point छोड़ गया था. सबाश, कहाँ चले गए थे पुत्र तुम? अरे फटाफट करो यार, नहीं तो हम कैसे खत्म करेंगे? Yes, sir. Done. साल लग जाएगा रिवीजन करने के लिए. तीसरा point. Higher is the lattice enthalpy, stronger is the lattice enthalpy. मतलब
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ना नहीं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नहीं मैं समझाऊंगा अगला मुद्दा वही हमारा जैसे पॉइंट यहाँ पे जितना लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा उतना आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा पर क्वेश्चन ये उठता है ना कि व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी तो अभी लैटिस एंथैल्पी की हम जानते नहीं है वो समझाता हूँ आपको ये पॉइंट लिख लो समझाता हूँ लैटिस एंथैल्पी क्या होता है व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी लिख लिया ये पॉइंट यस सर तो लैटिस एंथैल्पी बेसिकली क्या है जैसे आप जानते हैं जैसा मैं कुछ देर पहले मैंने ऐसे ही बोल दिया वैसे ही आपने 10th में पढ़ लिया होगा Na आता है Cl आता है दोनों मिलते क्या बनाते हैं Na Cl बनाते हैं ना Na एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है Cl गेन करता है NaCl बन जाता है इतना ही पता आपको भी ऐसे ही पता है ना इतना आसानी से नहीं होता ठीक है ना जितना आसानी से हम बोल देते हैं ना इतना आसानी से होता नहीं है कैसे होता है देखिए देखो NaCl कैसे बनता है उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस होते हैं लैटिस एंथैल्पी को समझाने के लिए ये पूरा साइकिल समझना पड़ेगा देखो सबसे पहले सोडियम जो है किस स्टेट में है सॉलिड स्टेट में है ना आप जानते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ तो एक बार फटाफट आयनाइजेशन एंथैल्पी डेफिनेशन क्या है सर द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू हायर स्टेट वेरी गुड पर तुमने डेफिनेशन में एक इंपॉर्टेंट शब्द को मिस कर दिया बताओ क्या आइसोलेटेड एटम देखिए यहाँ पे सोडियम जो है किस स्टेट में होता है सॉलिड स्टेट में होता है ना तो सोडियम सॉलिड से आप इलेक्ट्रॉन निकाल नहीं सकते हो ठीक है इट इज नॉट पॉसिबल टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम सॉलिड स्टेट इन सॉलिड स्टेट तो पहले आपको इसको गैसियस स्टेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा है ना यस सर यू हैव टू मेक इट इनटू सोडियम गैस फॉर इट टू सप्लाई सम एनर्जी हीट सप्लाई करोगे बताओ ये जो प्रोसेस है सॉलिड टू गैस इसको क्या बोलते हैं सब्लिमेशन बोलते हैं सब्लिमेशन है ना सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करना है सब्लिमेशन बोलते हैं तो जो एनर्जी हमने यहाँ पे सब्लिमेशन के लिए यूज किया उसे क्या बोलेंगे सब्लिमेशन एनर्जी बोलेंगे ठीक है द एनर्जी वी सप्लाइड इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एंथैल्पी डिनोटेड बाय एचएस डेल्टा एचएस दिस इज एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन जैसा आयनाइजेशन एंथैल्पी है वह सब्लिमेशन एंथैल्पी सब्लिमेशन एंथैल्पी क्या है वो सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जो एंथैल्पी आपने यूज किया है उसको सब्लिमेशन एंथैल्पी बोलते हैं ठीक है अभी सोडियम गैस बन गया है अब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल है ना इसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन अब इस प्रोसेस क्या बोलेंगे हम दिस इज आयनाइजेशन दिस इज आयनाइजेशन और जो एंथैल्पी यहाँ पे आपने इसके बोलेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलेंगे दिस इज आयनाइजेशन एंथैल्पी है ना एनर्जी आप ने सप्लाई किया इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अब ये सोडियम Na प्लस बन गया अदर वे अदर साइड पे क्लोरीन भी आपके पास क्लोरीन किस स्टेट में है जी Cl2 स्टेट में बताओ हमको Cl2 चाहिए Cl चाहिए क्या सर बराबर अरे तुम किसी से बात कर रहे हो यार इधर मैं क्या पूछ रहा हूँ तुम किस से बात कर रहे हो तुमको Cl2 चाहिए Cl चाहिए Cl चाहिए ना भाई एक Na को एक Cl चाहिए ना है ना NaCl कंपाउंड होता है ना तो वन Na रिक्वायर्स ओनली वन Cl पर क्या तुमको Cl मिलेगा मार्केट में कैन यू गेट Cl इन द एटमॉस्फेयर सिंगल नो सर Chlorine is a diatomic molecule. It exists as Cl2. तो पहले मुझे Cl चाहिए तो Cl2 को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा Cl में तो आई विल
again supply energy here. And this energy is, this process called as atomization. This is called as atomization. That is, एक molecule को individual atoms में break down करने का जो तरीका है इसको बोलते हैं atomization. और जो energy आपने यहाँ पे supply किया है इसको बोलते हैं enthalpy of atomization. So by supplying the enthalpy of atomization, we had broken down this Cl2 molecule into individual atoms. ठीक है, अब ये atom बन गया, Cl gas बन गया. अब ये Cl जो sodium electron lose किया है वो ये gain करेगा, गेन करवा देंगे, तो ये बन जाएगा Cl माइनस, एक Cl लेंगे उसमें से, ये Cl माइनस. दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन गेन करने को क्या बोलते हैं, कौन सा तरीका बोलते हैं यहाँ पे, एंथैल्पी कौन सा आएगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, राइट, दिस इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगा. अब देखो ये वाली पहले वाली केस में, इन केस सब्लिमेशन, यहाँ पे एनर्जी आपने सप्लाई किया कि रिलीज हुआ, एक सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है, सप्लाई करना, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट, सप्लाई करना पड़ेगा सॉलिड गैस के लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन है. अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है ना, तो आप किताब में देखेंगे डेल्टा एच का इस्तेमाल बहुत जगह पे किया हुआ होगा. तो डेल्टा एच का मीनिंग बेसिकली क्या होता है, एनर्जी, कितना एनर्जी रिलीज हुआ या एब्जॉर्ब इन द रिएक्शन, पर आगे साइन भी होता है, प्लस या माइनस. तो प्लस माइनस डिनोट करता है कि रिएक्शन एंडो की एग्जांपल, उतना एनर्जी रिलीज हुआ है कि गेन हुआ है. तो अगर डेल्टा एच पॉजिटिव है, प्लस साइन दिख रहा है आपको वैल्यू के सामने, जो भी वैल्यू दे रहेगा, आगे प्लस साइन है, तो जो डिनोट करता है रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक. अगर डेल्टा एच नेगेटिव दिया है, रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, वो साइन कन्वेंशन है. ठीक है, तो मैं यहाँ प्लस लिख रहा हूँ समझाने के लिए कि एंडोथर्मिक रिएक्शन था. बताओ आयनाइजेशन एंथैल्पी कैसा है, ये एंडो है कि एक्सो है, ये रिएक्शन, द सेकंड रिएक्शन जो आयनाइजेशन रिएक्शन है, ये एंडो एक्सो, ये भी एंडो रिएक्शन है. यहाँ भी आपने एनर्जी सप्लाई किया, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एटम, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, मतलब आप सप्लाई कर रहे हो ना इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए. अरे समझ रहे हो क्या? Yes, sir. क्योंकि रिक्वायर मतलब हम सप्लाई कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालना है, बाहर निकालने के लिए हम सप्लाई कर रहे हैं, तो एंडो हो गए. अब तीसरा देखो एटमाइजेशन, आप एक Cl2 मॉलिक्यूल को Cl में ब्रेक करना है, इसके लिए आपको बॉन्ड को तोड़ना है, तो बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगता है कि रिलीज होता है? लगता है, लगता है. मतलब यहाँ भी ये भी रिएक्शन कैसा रिएक्शन है, एंडो रिएक्शन है. ये चौथा रिएक्शन जो है डेल्टा एच, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बताओ ये रिएक्शन कैसा है, एंडो है कि एक्सो है? नेगेटिव. हाँ, ये एक्सो है, क्योंकि इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, है ना, इट इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू एन आइसोलेटेड गैसियस एटम. यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है, एक्सो है, ये बाकी तीनों एंडो था, ये एक्सो था. अब यहाँ पे Cl- बन गया, ये Na+ बन गया, ये दोनों तैयार है. अब ये Na प्लस जो है किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में है ना, सी गैस, गैस स्टेट में, ये भी किस स्टेट में, गैसियस स्टेट में. अब ये Na प्लस और Cl जो बनना है, ये दोनों आपस में जब कंबाइन होंगे, Na प्लस और Cl जब आपस में कंबाइन होंगे, तो क्या बनाएंगे, ये बनाते हैं NaCl सॉलिड. अब ये गैसियस स्टेट से कहाँ जा रहे हैं, सॉलिड में जा रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो रहा है, एक क्रिस्टल फॉर्मेशन हो रहा है, और इस क्रिस्टल को ही हम बोलते हैं लैटिस, एक लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है. जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर होता है सॉलिड, सॉलिड को बोलते हैं क्रिस्टल, और जो उसका अरेंजमेंट होता है, जिस प्रकार से वो मॉलिक्यूल्स आपस में अरेंज करके उस सॉलिड का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उस अरेंजमेंट ऑफ एटम्स को हम बोलते हैं लैटिस. अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन सिस्टमेटिक वे टू फॉर्म ए सॉलिड इज कॉल्ड एज लैटिस. ठीक है, तो लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे बोलेंगे हम, एज अ फॉर्मेशन ऑफ लैटिस. और लैटिस फॉर्मेशन होते वक्त, बताओ अभी गैस से सॉलिड में जाते वक्त रिएक्शन एंडो है कि एक्सो है? एंडो. उत्तर नाम बताओ. एक्सो. जब वो सॉलिड से गैस में गया तो क्या था, एंडो था ना. अब गैस सॉलिड उल्टा जाएगा तो क्या होगा,
कंडेंस होगा, एनर्जी रिलीज होगा ना, एनर्जी विल बी रिलीज. दिस एंथैल्पी, दिस एनर्जी, दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ दिस सॉलिड क्रिस्टल फ्रॉम द गैसियस स्टेट आयंस इज कॉल्ड एज लैटिस एंथैल्पी. इस एंथैल्पी को हम बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ ए सॉलिड क्रिस्टल फ्रॉम इट्स गैसियस स्टेट, गैसियस आयंस. गैसियस आयन से जब ये कन्वर्ट होता है सॉलिड के अंदर, उस टाइम एनर्जी रिलीज होता है, उसको बोलते हैं लैटिस एंथैल्पी. इज व्हाट इज इट, इज इट क्लियर व्हाट इज लैटिस एंथैल्पी? यस सर. या सो दैट वाज लैटिस एंथैल्पी. जितना लैटिस एंथैल्पी ज्यादा होगा उनके बीच में उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है. मतलब उसके फॉर्मेशन के वक्त जितना अधिक एनर्जी रिलीज होगा तो उसको तोड़ने के लिए भी उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है. ठीक है ना, कोई मॉलिक्यूल के फॉर्मेशन के वक्त, अगर मान लीजिए उसके फॉर्मेशन के वक्त 100 किलोजूल्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुआ है, तो फिर उस मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए भी कम से कम आपको 100 किलोजूल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा, तभी टूटेगा. अब जितना अधिक एनर्जी आप सप्लाई कर रहे हो तोड़ने के लिए, उसका मतलब क्या, कम उतना स्टेबल है ना, उतना वो स्टेबल है. जितना वो कंपाउंड स्टेबल होगा, उसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होंगे, उतना उसको तोड़ने के लिए अधिक मात्रा में एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा. और कितना सप्लाई करना पड़ेगा? जितना उसके फॉर्मेशन के वक्त उसने रिलीज किया था, कम से कम उतना सप्लाई करना पड़ेगा. इज द पॉइंट क्लियर? यस सर. मतलब डेफिनेशन क्या है इसकी, जो एनर्जी सप्लाई टू रिलीज द इलेक्ट्रॉन हुई क्या? लैटिस एंथैल्पी के बारे में बात कर रहे हो? यस सर. देख लो इस प्रकार से. Done. Yes, sir. ये थे कुछ बातें आयनिक बॉन्ड के बारे में. अब हम बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड के बारे में. आप बताइए क्या पता है आपको इसके बारे में? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. Sharing of electrons, correct. Less stronger. क्या बोले? Less stronger. अच्छा, correct. Less radius than ionic bond. What? Less radius than ionic bond. Less? क्या बोले? Less? Radius. Less radius. Sir. ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? So covalent radius छोटा होता है ना. आयनिक रेडियस होता है क्या? पहली बात
आंसू के. हेलो हेलो डू हियर मी यस यस सर सॉरी आई लिफ्टेड अ कॉल बिकॉज़ इट इज इमरजेंसी माय फादर इज नॉट सो वेल सो सुबह से वही चल रहा था हमारा टेंशन तो थोड़ा इसलिए घर कॉल उठाना पड़ा मुझे क्या कोई बात नहीं मैं जनरली कट कर देता हूँ मैं कॉल. So covalent bond is formed by overlapping of two half-filled orbitals, ठीक है ना? आपने ऐसा definition नहीं पढ़ा होगा शायद ना? आपने पढ़ा होगा it is formed by sharing of electrons, right? तो एक ही बात है, ठीक है ना? Sharing of electrons जो आपने पढ़ा वही बात समझा रहा हूँ मैं यहाँ भी 11th के अंदर अलग कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ बस और टेक्निकली बताएंगे थोड़ा और हायर लेवल वर्जन बताएंगे वो शेयरिंग कैसा होता है बताएंगे. देखिए आप एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर के अंदर थे ना आप सभी रिविजन के लिए तो आपको याद होगा हमने बताया था आपको हर एक एटम में क्या होता है हर एक एटम में क्या होते हैं शेल्स होते हैं क्या होते हैं कि नहीं होते हैं होते हैं किसी ने निकाल तो नहीं लिया ना उसके अंदर से बाहर नहीं सर हाँ तो फिर होंगे ना अभी भी शेल्स होते हैं शेल्स के अंदर क्या होते हैं भाई तू सही बोल रहे हो सेल में इलेक्ट्रॉन होता है बात सही है गलत नहीं है ठीक है तुम्हारी बात गलत नहीं है पर जब मैंने पढ़ाया तब भी लोगों ने ऐसे ही बोला तो मैंने चेंज किया ना मैंने पढ़ाने के बाद तुमको मुझे से बात करना है समझ रहे हो यू शुड नॉट रिमेन व्हाट यू वर बिफोर आफ्टर आई टीच यू शुड बिकम लाइक मी जिस तरह से मैं बोलता हूँ ऐसे बोलने का हर शेल में होता है सबशेल सबशेल के अंदर होता है ऑर्बिटल ऑर्बिटल के अंदर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स तो ये 11th में फिर हम चेंज करेंगे ना सब चीजें जैसे बोल रहे 10th में बोलते हैं हम शेल में इलेक्ट्रॉन होता है करके अब जैसे मैंने पढ़ा दिया था आपको चेंज करना चाहिए अपना तरीके स्टेटमेंट्स शेल में सबशेल होता है सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये बात हमने वहां पे पढ़ लिया है वही बात यहाँ पे अभी कनेक्ट कर रहे हैं जब यहाँ बोल रहा हूँ टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मतलब क्या बताओ एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकता है ईच ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट इलेक्ट्रॉन्स सर के कैन कंटेन टू जो भी आप नहीं थे चेक सी द वीडियोस अदरवाइज यू विल रिमेन लाइक 10th किड 10th स्टैंडर्ड किड की तरह रह जाओगे आपको नॉलेज तो है परंतु अपग्रेड करना है नॉलेज पर कुछ नहीं तो जैसे बाकी लोगों ने बोला एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है ना हमने डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल शेप भी देखा था याद होगा आपको एस ऑर्बिटल इस अभी वो सब काम आने वाला है जो हमने वहां पढ़ा वो सब केमिकल बॉन्डिंग में यूज करने वाले है ये कौन सा ऑर्बिटल है किसका शेप है बताओ एस एस कौन सा एस तुम्हारा एस की मेरा एस सर मोहित सर कैसे ये सर एटम का है 1s हाँ ये 1s है ये 1s है एटम का s है सर उसका s इसका s ये 1s है क्योंकि मैंने बताया था आपको ये क्या है दिस इज 2s दो स्फीयर्स होते हैं ये क्या है 2p 3 अबे 3s 3s ये कहां से आ गया सब भूल जाते हो यार तुम बताओ ये क्या है 2p किसका शेप है
3p करेक्ट पी डबल शेप होता है एक ही हमने बनाया था 2p है 3p तो और एक आएगा उसके ऊपर डबल 3 4 पे तो और एक आएगा है ना याद आ गया सब दिस इज 3d डी ये कौन सा डी है dx square y square जो है याद हो कैसे भूल गए यार आप सच में मजाक x एक्सिस के ऊपर एक लोब होता है y पे एक लोब होता है तो dx square y square बोलते हैं ये कौन सा है dxy x और y के बीच में लाई करेगा तो dxy बोलेंगे इसको ये कौन सा है dxz ये कौन सा है dz2 ना तो बस मैं रिमाइंड कर रहा था आपको पिछले चीजें तो अब देखिए मैंने अभी यहाँ क्या बोला व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मतलब क्या एक ऑर्बिटल फुली फिल्ड उसका मतलब क्या होता है उसकी कैपेसिटी होता है 2 इलेक्ट्रॉन्स का कोई भी ऑर्बिटल है ना वो भले ही एस ऑर्बिटल हो या पी ऑर्बिटल हो डी हो या एफ ऑर्बिटल हो स्पेशल का ऑर्बिटल भी ना हो उसके अंदर मैक्सिमम जो है सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट हो सकते हैं अगर 2 इलेक्ट्रॉन है क्या बोलूंगा फुली फिल्ड है ना अगर कोई ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन बोले फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल है अब हाफ फिल्ड मतलब कितने होने चाहिए उसके अंदर 1 एक होना चाहिए उसको मतलब है 2 ऑर्बिटल्स जिसके अंदर सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है उनकी ओवरलैपिंग से बनता है कोवलेंट बॉन्ड वो शेयर करते हैं आपस में जैसा ये एक पी है और एक पी है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है दोनों पी पी ऑर्बिटल है जब ये दोनों इस प्रकार से आके इसको बोलते ओवरलैपिंग एक के ऊपर एक इसी को शेयरिंग बोलते हैं आप इसी को जो है ना टेंथ में आपने शेयरिंग पढ़ा है और वो शेयरिंग होता है वो ओवरलैपिंग अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं इधर इलेक्ट्रॉन इसके भी हैं दोनों के हो गए ना ये वाले एटम का भी और ये वाले एटम का भी ये 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग कर लिया उन्होंने ओवरलैपिंग ते दो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके जो है बना रहे हैं बॉन्ड इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड इज इट क्लियर एवरीबॉडी यस सर ये जो ओवरलैपिंग है वो दो प्रकार से हो सकता है जैसे अभी इस प्रकार से अगर इस प्रकार से ओवरलैपिंग होता है ना तो इसको बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड दो प्रकार के होते हैं अगर जिस इस तरह से ओवरलैपिंग होता है ऑन एन एक्चुअल ओवरलैपिंग होता है इसको बोलते हैं हम सिग्मा और एक पॉसिबिलिटी ओवरलैपिंग इस प्रकार से है पैरेलल ऐसे साइड वाइज ओवरलैपिंग है ना साइड से तो साइड वाइज ओवरलैपिंग अगर होता है पाई बॉन्ड तो उसको बोलते हैं हम पाई बॉन्ड जब इस प्रकार से ओवरलैपिंग हुआ एक्चुअल ओवरलैपिंग हुआ सिग्मा बॉन्ड बोला ऐसा ओवरलैपिंग हुआ तो पाई बॉन्ड बोलेंगे दोनों ही जगह पे ओवरलैपिंग हो रहा है शेयरिंग हो रहा है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रहा है परंतु किस प्रकार से शेयरिंग कर रहे हैं किस प्रकार से ओवरलैप कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है हम पाई बॉन्ड बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड बोलेंगे ठीक है
तो ये दो प्रकार के कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। डायग्राम दोनों बना लिया आपने? यस सर। लो और लिख लो, है ना, साइड वाइज ओवरलैपिंग तो हम बोलते हैं उसको पाई बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ तो उसको बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। अब देखिए, जब दो एटम आपस में जब साथ में आते हैं तो जब पहला बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं ना, इट मस्ट बी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, इट इज ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड, याद रखिए। तो सिग्मा बॉन्ड का सिंबल क्या होता है? क्या बोले? सिग्मा बॉन्ड का सिंबल क्या होता है? ये सिग्मा ठीक है। जो फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म होता है टू एटम्स के बीच में, द फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन एनी टू एटम्स इज ऑलवेज अ सिग्मा बॉन्ड। तो पहले बॉन्ड जो बनता है वो हमेशा सिग्मा ही बनता है, पाई बॉन्ड पॉसिबल नहीं है फर्स्ट बॉन्ड। जो पहला बॉन्ड फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड ही होगा, और उसके बाद जो बाकी बॉन्ड्स बनते हैं वो सब पाई बॉन्ड ही होंगे। बाकी जो बॉन्ड सिग्मा बनने के बाद जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो दो एटम के बीच में वापस से अगर बॉन्ड फॉर्म करेंगे सिग्मा के बाद, तो बॉन्ड पाई बॉन्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए आप पहले सीख लेंगे कौन सर, पहले सिग्मा बॉन्ड ही क्यों बनता है? नाम बताओ तुम्हारा, तुम्हारा नाम बताओ ना सर। शिवम। इट्स अ गुड क्वेश्चन, नाम बताओ यार सर। शिवम। शिवम यस सर। तुम्हारा नाम शिवम क्यों है? हाँ यस सर। तुम्हारा नाम शिवम क्यों है? सर वो रखा है इसलिए। क्यों रखा है? ऐसा क्यों रखा है? ये देख रहे हैं आप शिवम जी? यस सर। ये क्या है बताओ तो? ये पी सबशेल है, पी सबशेल है ना, ये पी सबशेल में तीन एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। जो एक्स के ऊपर है उसको बोलते हैं हम पी एक्स ऑर्बिटल, जो वाई के ऊपर है पी वाई ऑर्बिटल, है ना, तीनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। जो डॉट डॉट में डॉट्स बनाया ना, मतलब वो थ्री डी बनाना पॉसिबल नहीं है। वो डॉट मतलब कैसा है, टुवर्ड्स हमारा फेस जो है ऊपर की ओर आएगा और पीछे की ओर जाएगा, परपेंडिकुलर होगा, है ना, तो वो हमको दिखता नहीं। तो जब ये दोनों साथ में ऑर्बिटल, दो एटम के आएंगे, ये एटम का ये एटम बी साथ में आएंगे, तो फर्स्ट जो है कौन मिलेंगे बताओ, ये दोनों मिलेंगे कि ये दोनों मिलेंगे? सिग्मा बॉन्ड मिलेंगे। ये मिलेंगे ना? यस सर। सो जब आएंगे तो पहले ये मिलेंगे, इनका ओवरलैपिंग होगा तो उससे पहले सिग्मा बनेगा, और उसके बाद और बॉन्ड उसको बनाना है, तो फिर पैरेलली जो ऑर्बिटल्स यहां उपस्थित है ये दोनों बनाएंगे एक बॉन्ड, पैरेलल डबल बॉन्ड बन जाएगा। फिर अब बोलो और बनाना है, तो फिर ये परपेंडिकुलर, ये दोनों परपेंडिकुलर पैरेलल है आपस में, ये दोनों बनेंगे एक बॉन्ड, समझ रहे हो? यस सर। हां ठीक है। तो जब भी अगर मान लीजिए सिर्फ दो एटम सिंगल बॉन्ड है और दूसरा सिंगल बॉन्ड है, मतलब कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा ही होगा। अगर कोई एटम में डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड मींस दिस इज सिग्मा, अगर डबल बॉन्ड हो इनके बीच में तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। अगर दो के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और बाकी दो पाई बॉन्ड, ठीक है ना, ये बात याद रखना। फिर दोबारा बताना दो। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा होगा, डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और बाकी दो पाई होंगे, और इसका रीजन मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे। जब पहला सिग्मा बन जाता है तो बाकी ऑर्बिटल्स होते हैं पैरेलल होते हैं, वैसे एक्चुअल ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, ये पैरेलली उपस्थित है, तो पैरेलल है तो वो साइड वाइज ओवरलैपिंग ही कर सकते हैं। सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रॉन्गर होते हैं ना पाई से। सही बात है।
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मतलब स्पेस कम होता है. ये लिख लिया क्या पहली बार बताओ. दिस इज डन. यस सर. यस सर. सर ये पाई बॉन्ड में मतलब जो पाई बॉन्ड जो बनता है तो क्या कंप्लीटली ओवरलैप होता है क्या? नहीं ना देखो ना पैरेलल है ना ये दोनों. अब यहाँ पे एटम यहाँ पे एटम यहाँ पे ऑलरेडी सिग्मा बन चुका है ठीक है. हाँ. अभी इसका ऑर्बिटल ऐसा इसका ऑर्बिटल ये सर. ये पूरा साथ में आ सकते नहीं आ सकते. जब बेंड होंगे ना इस प्रकार से व्हेन दे बेंड और जो ओवरलैप करते हैं तो पूरा ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है क्योंकि बीच में है ना ये ऐसा. यस सर. तो थोड़ा बहुत ऐसा ओवरलैपिंग होगा है ना. सही मायने में बात करेंगे तो उसी लिए तो पाई बॉन्ड वीक है ना. पाई बॉन्ड वीक क्यों है क्योंकि उसमें ओवरलैपिंग पूरा होता नहीं है. मोर इज द ओवरलैपिंग एक्सटेंड ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड. इतना अच्छे से ओवरलैपिंग उसका होगा उतना स्ट्रॉन्गली पकड़े हैं दूसरे को. दूसरे को स्ट्रॉन्गली पकड़े रखे उतना ओवरलैपिंग अच्छा उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होगा. पाई बॉन्ड में वो पॉसिबल नहीं होते. ऑलरेडी सिग्मा होने की वजह से यहाँ पे उसको उतना अच्छे से ओवरलैपिंग नहीं हो पाता है. तो किसने सही बोला वही बात लिख लेते हैं. सिग्मा बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. देखो सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तीन प्रकार का ओवरलैपिंग पॉसिबल है. SS ओवरलैप SP ओवरलैपिंग और PP ओवरलैप. SS SP और PP ये तीन प्रकार से तीनों का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है. जो S ऑर्बिटल होता है ना वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में ही पार्टिसिपेट करता है. वो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं करता है ठीक है. पर पाई बॉन्ड के लिए सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग पॉसिबल है पीपी ओवरलैपिंग. सिर्फ दो पी ऑर्बिटल्स मिलके ही पाई बॉन्ड बन सकता है. लिख लिया? यस सर. सर ऊपर वाला दिखाना एक बार. ऊपर वाला पॉइंट पाई बॉन्ड से पीपी ओवरलैपिंग से ही बनता है. नोटेड एवरीबॉडी? यस सर. जितना अधिक ओवरलैपिंग होता है उतना बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है. तो वो हिसाब से अगर हम बात कर रहे हैं तो पीपी ओवरलैप सबसे ज्यादा होगा उसलिए पीपी ओवरलैप से बना सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा. फिर एसपी फिर एसएस. यहां तक किसी को शंका? नो सर. नो सर.
this covalent bond can also be classified as polar covalent bond and non-polar covalent bond. Polar and non-polar. ये दो टाइप के अंदर भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको. दो सेम एटम के बीच में बॉन्ड अगर बना ना, दो सेम एटम या फिर दो ऐसे एटम जिनका इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर है, बहुत पास पास है, उससे मतलब उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ऑलमोस्ट ना के बराबर है, तो वैसे एटम जब साथ में आगे कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो उसको बोलते हैं हम नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. अगर दो डिफरेंट एटम्स है जिनका सफिशियंट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जब वो साथ में आते हैं तो उसको बोलते हैं हम, उस टाइम जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है उसको बोलते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड. पोलर मतलब क्या समझते हैं आप? पोल्स, कुछ क्लिक हो रहा है पोल्स से पोलर से, जैसे बार मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट उसमें पोल्स होते हैं क्या मैग्नेट में? बार मैग्नेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव पोल्स, साउथ पोल नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. सो वैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव बोल सकते हैं, चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू प्लस माइनस बोलते हैं पोल्स, है ना, मैग्नेट के हिसाब से नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलते हैं. अब यहाँ भी जब देखो दो एटम जब बॉन्ड बनाएंगे, से फॉर एग्जांपल HCl है, अब अगर इन दोनों के बीच में सफिशियंट इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस है तो ये अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा और इसके ऊपर जो है पार्शियल नेगेटिव चार्ज फॉर्मेशन हो जाएगा और इसके ऊपर पार्शियल प्लस चार्ज. तो ये बॉन्ड के अक्रॉस प्लस माइनस चार्ज फॉर्मेशन हुआ नहीं हुआ? तो ये बॉन्ड आपका मैग्नेट जैसा है जिसके एक साइड प्लस एक माइनस है, तो ये हो गया पोलर कंपाउंड, है ना. इस बॉन्ड को हम क्या बोलेंगे? पोलर बॉन्ड. जिस बॉन्ड के अक्रॉस प्लस और माइनस चार्ज फॉर्मेशन होता हो उस बॉन्ड को हम पोलर बॉन्ड बोल सकते हैं. पर मानो ये H H है, सेम सेम एटम है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का यहाँ वहां शिफ्ट होगा? नो सर, नो सर, बिकॉज़ दोनों इक्वली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स है इसीलिए शिफ्ट नहीं होगा. तो ये बॉन्ड के अक्रॉस जो है कोई चार्ज फॉर्मेशन नहीं हो रहा है इसीलिए इसको हम बोलते हैं नॉन पोलर बॉन्ड, इससे पोलैरिटी नहीं. इज अ पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? Sir, one more example. बताओ HF के अंदर पोलर बॉन्ड है कि नॉन पोलर बॉन्ड है? लोन पोलर 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 बॉन्ड obviously correct, इसमें पोलर बॉन्ड होगा. Cl2 में नॉन पोलर, नॉन पोलर. दो सेम एटम रहे तो नॉन पोलर बनेगा, दो डिफरेंट एटम्स रहे तो पोलर बनेगा. ठीक है. Okay,
तो यहाँ पे जो है हम आयोनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड नामक टॉपिक कंप्लीट करते हैं. टू एंड विथ हमने कल जो पढ़ा उसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं. अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कराने पढ़ा था बिटवीन टू एटम्स ग्रेटर देन 1.7 रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, बॉन्ड इज आयोनिक. आयोनिक इफ द डिफरेंस इज लेस देन 1.7 इट इज कॉल्ड एज कोवलेंट. कोवलेंट एंड इफ इट इज equal to 1.7 to 50% partially ionic, partially covalent. Thank you very much. The formula likh do. Kya bole? Chalo electronegativity calculate kar rahe hain formula. Kal diya tha na maine. Yes sir. Ha. Okay. Naye bachche ye bol. Abhi aur kya har din naye aate hain kya? हर दिन नए ऐसे तंग हो जाऊंगा यार मैं, फिर कभी रिवीजन खत्म ही नहीं होगा. हर दिन नए नए आते रहेंगे तो फेमस हो गए ना. मैं फेमस हो जाऊंगा फिर. यस सर चेतन सर तुमको मेरा नाम ही पता है क्या? नाम पता है क्या मेरा? तो बार लग सर नाम तो पता है यार तुमको. एंड्रॉइड एम एडनगर. माय गॉड तुमको बहुत कुछ पता है. ठीक है कल हम मिलेंगे. ठीक है वापस कल हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड पढ़ेंगे, थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड एंड कुछ और कांसेप्ट पढ़ लेंगे बिकॉज़ चैप्टर बहुत लंबा है. तो मैं टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस जल्दी खत्म हो. ओके सर थैंक यू वेरी मच. 2 घंटे के लिए. थैंक यू सर. थैंक यू सर. राम राम. मोहित सर. मोहित सर है क्या? नहीं है. चलेगा ठीक है उनसे पूर्ण बात करते हैं.